इससे आपका वजन कभी बढ़ता नहीं है, हमेशा एक बराबर रहता है। तो देखो मैं क्वेश्चन किया है, उसका आंसर मुझे वीडियो में मिला है या नहीं। राधे राधे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज है हमारा 21 डे हार्ट चैलेंज का डे 18। और एक चीज़ और है कि रात को लगे थे चंद्र ग्रहण, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो चंद्र ग्रहण लगने के बाद शरीर थोड़ी सी हमारे अंदर चेंजिंग ये आती है कि जब ग्रहण लगते हैं रात को, तो सुबह उठने के बाद हमें तुरंत से पानी वगैरह या चाय नहीं पीना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें नहा धोवा के फ्रेश होके पूजा पाठ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही मतलब पानी वगैरह पीना चाहिए, ऐसा हम लोग करते हैं। अब आपके साइड में क्या होता है हमें नहीं पता है, बट हम ऐसे ही फॉलो करते हैं। अगर सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण लगे, तो उसके बाद हम तुरंत से पानी वगैरह नहीं पीते हैं। जब तक हम पूजा पाठ नहीं कर लेते हैं, नहा नहीं लेते, हमारे गाँव में तो और भी कुछ कुछ होते हैं, कुछ दाल वगैरह ऐसे छूते भी हैं, बट वो तो मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ। बट नहाती जरूर हूँ, पूजा पाठ करने के बाद ही कुछ खाती हूँ। सो ग्रहण का टाइमिंग रात को 1:05 से 2:30 तक का था। उस समय तो हम सो रहे थे, लेकिन 1 से पहले ही मैंने पानी वगैरह जो भी पीना था पी लिया था। उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं पिया। और ये रात का बचा हुआ था दूध, जिसपे मैंने तुलसी पत्ता रख दिया था, क्योंकि बाबू था तो मैं दूध तो फेंक नहीं सकती थी ना। तो कुछ कुछ चीज़ों बनाए गए हैं कि जो आप फेंकने लायक नहीं हो, उन पे तुलसी पत्ता या ऐसा धूप जो होता है ना दुर्वा, उसको रख सकते हो। तो बस इसी तरीके से हमने फॉलो किया अपना चंद्र ग्रहण। और कुछ वो शरद पूर्णिमा भी बनाते हैं ना, यहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हैं कोजागिरी करके, बट हमने नहीं मनाया और देखते हैं कब वो सेलिब्रेट करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा ही काम है, रुको एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखो रात के पड़े हुए इतने सारे बर्तन, क्योंकि सब काम जल्दी जल्दी करना था। सूतक कुछ ऐसा लगता है, उसके पहले खाना पीना बनाना और टाइम से जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि हमारा खाना पीना खाने का टाइम टेबल थोड़ा लेट ही चलता है, डेली का ही होता है। बट कल हमें सब चीज़ जल्दी जल्दी करना पड़ गया था। और कभी कभी आलस आ जाता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि सारा काम खत्म करके किचन क्लीन करके सोऊं। तो बस ऐसे ही सो गई थी। तो चलिए अभी इन सबको निपटाती हूँ, फिर घर में झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद आपसे मिलूंगी। मैंने ना ठंडा गर्म पानी पी के अपना गला बहुत ही ज्यादा खराब कर रखा है, तो ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी मैं लगातार अजवाइन का पानी पी रही हूँ, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, जाती हूँ घर क्लीन करूंगी, फिर नहाऊंगी और आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट पूजा करते समय। क्योंकि ये सारे सब कामों की अगर वीडियो बनाने लगूंगी ना, तो ये मेरा 1 का काम पूरे 2 में होगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत समय जाता है, क्योंकि एंगल देखना पड़ता है, कैमरा कहाँ खड़ा करें, तो ये सारी चीज़ें कैप्चर हो जाएंगी, उस तरीके से हो जाता है। तो चलिए फटाफट घर का काम खत्म करके नहा धोवा के पूजा करने के लिए मिलती हूँ, और उसके बाद शेयर करूँगी कि क्या लेंगी ब्रेकफास्ट में, डिनर में। और आज का रूटीन इसी के साथ मेरा स्टार्ट होता है, तो जैसा दिन रहता है हमें अपना शेड्यूल थोड़ा बहुत चेंज करते रहना पड़ता है। तो गर्म पानी वगैरह सब कुछ मैं पूजा वगैरह करने के बाद ही पीऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़े बहुत अपने काम खत्म करने के बाद। सो फ्रेंड्स, फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और आपसे यहीं डायरेक्ट मिल रही हूँ। तो बहुत सारा काम निपटाया मैंने, झाड़ू पोछा सब कुछ। तो ये जितने भी काम किया अभी तक मैंने ना, वो एक तरह से मेरा वर्कआउट ही था, ठीक है? क्योंकि सुबह उठते उठते अगर आप झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है? तो देखो मैं ना ज़्यादातर ना घर का काम खुद ही कर लिया करती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर किसी दिन मैं अगर एक्सरसाइज नहीं भी करती हूँ, वर्कआउट नहीं भी करती हूँ, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मेरा एक तरह से एक्सरसाइज हो जाता है। और यहाँ पे भगवान जी के मैं फूल वगैरह चेंज कर देती हूँ। देखो जब हम नहा के दूसरे कपड़े पहनते हैं, तो जब हमें फीलिंग अच्छी लगती है, तो बस इसी तरीके से भगवान की भी पूजा पाठ अच्छे से उनको फ्रेश करके ही करनी चाहिए। और ग्रहण के बाद मैंने पूजा पाठ कर लिया, तो सुबह की रूटीन आज थोड़ी चेंज हो गई है। सबसे पहले हमने करी पूजा, उसके बाद ही अब हम कुछ खाएंगे या जो भी करना होगा करेंगे। और सबको भूख लग गई थी, तो मुझे तो डायरेक्टली किचन में ही जाना पड़ेगा।
और पूजा करने के बाद मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे किचन में और कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। और एक तरफ बिठा रखा है मैंने चाय, और ये जो चाय है मुझे एक कप निकालना है अपने लिए, पहले विदाउट शुगर वाली, उसके बाद दूंगी बाकी सभी लोगों को। और ये देख रहे हो मेरा ध्यान ही नहीं था कि मैंने चाय बिठा रखा है, और ये चाय जले जा रही है जले जा रही है। फिर बाद में मेरा ध्यान गया तो फिर मैंने गैस को बंद किया। और नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं पोहा। देखो आप मेरी डेली वीडियो में ये चीज़ हमेशा देखना कि मैं ब्रेकफास्ट हमेशा लाइट ही बनाती हूँ, पोहा या तो सूजी का चीला या तो उत्पम। मैं कभी भी हेवी ये सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसा ही कुछ नाश्ता बनाती हूँ जो एक्चुअली वेट लॉस में करना चाहिए। मैं इडली वगैरह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, पोहा खाती हूँ बस, रोटी वगैरह मैं नाश्ते में बहुत कम लेती हूँ। वैसे अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाते हो सुबह सुबह तो फिर आप ले लो। देखो क्या है ना कि रोटी को 32 बार चबा के खाने में थोड़े लगते हैं समय, और फिर सुबह में हमारे पास उतना वक्त होता नहीं है, तो इसीलिए मैं कभी भी अपने लिए नाश्ते में रोटी नहीं बनाती हूँ, हमेशा यही सारी चीज़ें बनाती हूँ। और मेरा पोहा भी आप देखोगे बहुत कम तेल और बहुत थोड़े से मसाले डालकर मैं बनाती हूँ। बस कढ़ाई में मैंने फ़ौरन दिया है सिर्फ मिर्ची और प्याज से, थोड़ा सा उसमें हल्दी ऐड करूँगी, और उसके बाद तो बहुत ही सिंपल तरीके से मेरा पोहा बन के तैयार हो जाता है। मैं मतलब ताम झाम तो बहुत ज़्यादा कोई खाने पीने में नहीं करती हूँ, जितना कम तेल और जितना कम मसाले में किसी खाने को आप बनाएंगे वो बहुत टेस्टी बनेगा और आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि बहुत कम और बहुत कम मसाले वाली चीज़ें ही खाएं वेट लॉस पे अगर है तो। देखो जनरली सबको ऐसे ही खाना खाना चाहिए, हमेशा मसाले वाले खाना खाने से हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, फिर वही खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। और इधर हमारी ब्रेकफास्ट की 2 प्लेट लग गई है, और इस पर थोड़ा सा मैं लेमन ऐड कर देती हूँ। पोहा मेरा फेवरेट है, ये मैं कितनी भी खा लूँ इससे मेरा मन कभी नहीं भरने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा पोहा पसंद है। सो सुबह सुबह का हमारा नाश्ता लग के तैयार है, चाय और पोहा। किस किस को पसंद है पोहा बताना। देखो ये बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए, तो आप इस तरीके का नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। पोहा खाकर तो मैंने पूरा पता नहीं पोहा 5 महीने में मैंने कितना ज़्यादा खाया है। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, और बाल मेरे अभी गीले थे, जस्ट अभी बाल वाल धो के नहा के आई हूँ ना इसीलिए। और मैं इनसे बोल रही थी कि जो सेव वाली भुजिया होती तो डाल देते तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता, लेकिन वो नहीं थी तो हमने लेमन ऐड कर दिया, क्योंकि इस पे जो सेव वाली भुजिया जब ऐड करते हैं ना तो इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और इधर देखो 32 बार चबा कर मैं अपने नाश्ते को एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी भी खाने को आपको समय देना है, 30 मिनट तो कम से कम देना है, इसीलिए जब भी आप खाना खाने बैठो इत्मीनान से बैठो, सुकून से बैठो, सारा काम अपना जल्दी से निपटा लो उसके बाद बैठो, ठीक है। क्योंकि आप अपने लिए खाने में टाइम देना पड़ेगा आपको, और किसी चीज़ के लिए टाइम दो या ना दो बट खाने के लिए आप 30 मिनट आप अपने लिए निकाल लो, ओके। और यहाँ पे हो रही है लंच की प्रिपरेशन, और आज लंच में बनेगा मटर पनीर। तो मटर और पनीर दोनों को मैंने फ्राई करके पहले ही निकाल लिया है, मेरा मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है खाने में, मुझे अच्छा मतलब फेवरेट भी है जो बोल लो आप। और ये देखो ये मैंने कढ़ाई में डाला है बॉयल्ड प्याज। देखो बॉयल किया हुआ प्याज से अगर आप अगर आप प्याज को बॉईल कर लेते हो ना तो इससे होता क्या है कि आप थोड़े से तेल में बहुत ही अच्छे से पनीर बना सकते हो, हमारे मसाले भी भून के अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो देखो आपको ऊपर से बिल्कुल भी तेल दिखाई नहीं दे रहा होगा। और प्याज को बॉईल कैसे करना है, तो कुकर में प्याज को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है, थोड़ा ऑयल डाल देना है और थोड़ा सा नमक और पानी डाल के उसे 2 से 3 सीटी लगा लो, प्याज एकदम बॉयल हो जाता है। और उसके बाद जब आप निकालते हो तो किसी छन्नी में डाल दो ताकि उसका पानी निकल जाए। और उसके बाद आप बहुत थोड़ा सा तेल ऐड करोगे ना तो पनीर अच्छा से बन जाएगा आपका, क्योंकि जनरली आप देखते हो कि जब लोग पनीर बनाते हो तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा तेल की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको मेरे पनीर के ऊपर बिल्कुल भी ऑयल की कोटिंग नहीं नज़र आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पनीर बनाते हो तो आप पनीर भी खा लेंगे और एक हेल्दी पनीर खाएंगे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से मेरा मटर पनीर बनके तैयार हो गया है, और मुझे इसे देख के आ रही है मुंह में पानी,
बहुत ही अच्छा लगता है इसे खाने में। और मटर पनीर तो हालांकि सबका फेवरेट होगा। तो देखो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही लेस ऑयल में। मेरे कढ़ाई के आजू बाजू आपको बिल्कुल भी तेल नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और अब बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए एक वेट लॉस रोटी। तो आज की रोटी बनेगी मेरे मिट्टी के तवे पे, और ये तवा मैंने काफ़ी टाइम से ला के रखा हुआ था बट कभी ट्राई नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं मिट्टी के तवे पर ही बनाने वाली हूँ। और ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से हेल्थ बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है खाना खाना। तो बाकी सारे बर्तन तो हमारे पास नहीं है बट मैं तवा लेकर आई थी, तो मैंने सोचा आज अपनी रोटी उसी पे बनाऊंगी। और ये देखो, ये जो मैंने स्टफिंग रखी है ना, जो मैं एबीसी जूस बनाती हूँ उसका जो वेस्ट चीज़ बचता है वो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ और ये करीब 2 दिन आराम से चल जाता है। और रोटी में मैं उसे ही स्टफ़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं खुद के लिए अपना खाना बनाती हूँ कि कैसे मैं बनाऊँगी तो ये मेरे लिए हेल्दी रहेगा, कि अगर मैं एक रोटी भी खाती हूँ तो मुझे पूरी प्रोटीन कार्बोज मिले और मुझे वीकनेस भी ना हो और ये मेरा डाइट अच्छे से मतलब कंप्लीट हो जाए। तो बस इस तरीके से मैं अपनी डाइट को लेके चलती हूँ, क्योंकि देखो आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दाल चावल खाने से तो थोड़ा अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोटीन में ऐड कर लेते हैं तो इससे हमें वीकनेस नहीं होती है। तो बस ये रहा हमारा मिट्टी का तवा, गर्म हो चुका है और इस पे आज बनेगी मेरी रोटी। तो आप देखो कि कैसी बन रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाई थी मैंने और सेक लिया मैंने। देखो एक रोटी लोती हूँ ना और इसे 25 से 30 टुकड़े करती हूँ, और एक टुकड़े को जब मैं 32 बार चबाती हूँ तो सच मानिए एक रोटी में पेट भर जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि एक रोटी में पेट कैसे भरता है, कभी आप ट्राई करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप एक रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। हाँ, उसमें आप सैलेड, सब्जी और दाल की मात्रा खूब एक्स्ट्रा कर देना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर रोटियों को मैंने सेक लिया और फिर अपनी प्लेट लगाऊंगी मैं। और देखो एक रोटी से ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ, और रोटी की जो क्वांटिटी है अगर आपको मन है तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन हर एक रोटी को आपको 32 बार चबा के ही खाना है। अगर आपके पास 2 रोटी है तो फिर आपको कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। तो देखो यहाँ पे लग गई है मेरी प्लेट, और ये रहा मेरा मटर पनीर और एक रोटी जो कि अभी तवे पे ही रखी है मैंने और आज बनाया था मैंने। और यहाँ पे लगा ली मैंने प्लेट और एक रोटी, और उसके बाद से रख दी हूँ मैं थोड़ा सा जीरा राइस, और फिर इंजॉय करूँगी मैं अपने खाने को। और ठीक है, कभी कभार चावल भी चलता है, मेरा बहुत मन कर रहा था चावल खाने का, तो आप उसकी क्वांटिटी देख सकते हो कि मैंने बहुत ही थोड़ी सी रखी है प्लेट में अपनी, चावल और एक रोटी। और चावल और रोटी आप दोनों खा सकते हो अपनी वेट लॉस जर्नी में, ऐसा नहीं है कि आपको चावल छोड़ना है या फिर रोटी, आप दोनों ही खाओ, लेकिन आपको इन्हें 32 बार चबा कर ही खाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना मील लेना है और डिनर कंप्लीट करना है या फिर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है या तो डिनर, इस तरीके से अगर आप चबा चबा के अच्छे से खाते हो तो फिर आप कुछ भी खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। 32 बार फॉर्मूले से आपका वज़न बहुत ही आसानी से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो वज़न घटता है ना फिर कभी बढ़ता नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना लंच कंप्लीट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, लंच करने के बाद लेकर आ गई हूँ मैं अपने लिए ग्रीन टी, देख सकते हो। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको अपने हर मेजर मील के बाद ग्रीन टी लेना है, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद भी, लंच के बाद भी और डिनर के बाद भी, अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है तो। और इस 21 डे हार्ट चैलेंज में मैं तो तीनों अपनी मेजर मील के बाद ग्रीन टी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में ये एक ही चीज़ डाल डाल के ऐसा बोर नहीं करना चाहती हूँ आप लोगों को, बट मैं हमेशा कभी एक मतलब कोई एक मेजर मील के बाद तो दिखाती हूँ, या तो डिनर में बता देती हूँ या तो ब्रेकफास्ट में या तो लंच में, ठीक है। तो ये अभी जो ग्रीन टी ले रही हूँ मैं ना, वो है अभी आफ्टर लंच। अभी काफ़ी गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म पीऊँगी ना जल जाएगा, एक बार तो पी के मैंने जला रखा है। और एक कमेंट्स आए थे मुझे कि आप अपनी डेली रूटीन शेयर करो,
तो डियर मैं अपने हर एक वीडियो में अपनी डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सब कुछ डेली शेयर करती हूँ। सुबह मैं उठने के बाद क्या लेती हूँ, शाम को क्या लेती हूँ, रात को क्या लेती हूँ और किस तरीके से मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, मैं यही शेयर करती हूँ आपको। तो आप मेरी पूरी पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, मेरी डेली रूटीन की ही वीडियो जाती है। सुबह में गर्म पानी पीने से लेकर रात को क्या खाना चाहिए, कब वॉकिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी है। सो आप पूरी वीडियो देखो, आप लोग स्किप कर देते हो या तो फिर करेंट वीडियो देखते हो, पिछली वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन करना पड़ जाता है। बट कोई नहीं, एक फिर भी मैं आप लोगों के लिए वैसे तो डेली शेयर करती हूँ, बट हाँ एक ही चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ कि फिर वीडियो सेम सेम लगने लग देती है ना, बोरिंग सी हो जाती है। बट कोई नहीं, एक दिन मैं पूरी सुबह से लेके शाम तक की वीडियो आपको बता दूंगी या डेली शेयर कर दिया करूंगी, तो आप फॉलो करना। देखो जो लोग डेली वीडियो को देखते हैं ना, उनको पता चलता है कि हमें कब क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको पता चलता है ना कि हाँ आज मैंने सुबह की रूटीन बताई तो कल मैंने शाम की डिटेल में वीडियो बताई है, फिर मैंने दोपहर की बताई है। हर एक वीडियो में एक टाइम की डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है, और बाकी टाइम की जो वीडियो होती है ना वो छोटी छोटी क्लिप में ऐड कर देती हूँ। जैसे अगर सुबह में मैंने ड्रिंक के ऊपर डिटेल बताया तो फिर लंच और जो डिनर होता है उनकी क्लिप छोटी डालती हूँ, या तो फिर अगर लंच की रेसिपी अच्छे से बताती हूँ तो फिर मॉर्निंग, और अगर मैं लंच की वीडियो, सॉरी मुझे खांसी आ जाती है तो मुझे थोड़ा परेशानी हो जाती है, अगर मैं लंच की डिटेल में वीडियो बनाती हूँ जैसे कुछ रेसिपी बताती हूँ तो फिर मॉर्निंग और डिनर की क्लिप छोटी हो जाती है। देखो किसी एक टाइम की ही मैं क्लिप डिटेल में शेयर करती हूँ, अगर तीनों टाइम की वीडियो अगर डिटेल में शेयर करूँ ना तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वैसे ही वीडियो देखते हो आप 20-25 मिनट की हो जाती है, तो फिर आधे घंटे और एक घंटे की वीडियो अगर मैं डालूंगी तो फिर आप लोग भी पूरा स्किप करके देखोगे, तो फिर वैसी वीडियो डालने का क्या ही मतलब है। तो छोटे छोटे क्लिप में डालती हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखो, ध्यान से देखो डियर, मैं डेली की वीडियो में अपनी डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी वेट लॉस जर्नी में क्या क्या फॉलो करती थी, और ऐसा करती थी नहीं, मैं अभी भी करती हूँ। क्योंकि आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना लो, आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को डाल लो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, इससे आपका वजन कभी बढ़ता नहीं है, हमेशा एक बराबर रहता है। तो देखो मैं खुद भी अभी 21 दिन हार्ड चैलेंज कर रही हूँ, ये 21 दिन खत्म हो जाने दो, क्योंकि देखो वीडियो बन चुकी है, ठीक है, सिर्फ मुझे उसे एडिट कर करके डालना है, टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चा छोटा है ना, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरी तबीयत वगैरह भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, फिर हमारे कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं तो फिर हम उसको इंजॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर केवल वीडियो वीडियो करने में ना तो फिर ऐसा लगता है कि हम खुद के लिए जीना भी भूल जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, आप अच्छे से वीडियो को देखो, और ठीक है अगर आपको डिटेल में किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कल की वीडियो में मैं एक सुबह से मॉर्निंग रूटीन से लेकर रात के नाइट ड्रिंक तक की वीडियो आपके लिए बना के डालूंगी। और किसी ने मुझे कमेंट किया है कि घिया की रेसिपी शेयर करूँ, तो ठीक है कल की वीडियो में जो लंच रेसिपी डिनर रेसिपी होगी उसमें वो रेसिपी मैं ज़रूर ऐड कर दूंगी। तो जो लोग कमेंट्स करते हैं तो वो रिटर्न फिर से आए वीडियो पे और उनको चेक करें कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर मुझे वीडियो में मिला है या नहीं। ऐवी क्वेश्चन करके फिर आप निकल लेते हो तो फिर मुझे इतनी मेहनत करने का क्या ही मतलब बनता है, आप बताओ, क्योंकि मैं आपके लिए बनाती हूँ ना। नहीं अगर वैसे तो मैं अपने रूटीन में चलूंगी कि मैं सुबह से शाम तक क्या कर रही हूँ, क्या खाती हूँ, लेकिन जब आप कुछ कमेंट्स मुझे करते हो तो फिर मुझे उस कमेंट्स के रिप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ रेसिपी पूछते हो तो फिर मुझे वो रेसिपी शेयर करनी पड़ती है। तो आप अगर क्वेश्चन करते हो तो फिर आप वो वीडियो को देखने भी तो आया करो कि हाँ हमने क्वेश्चन किया तो उन्होंने आंसर दिया या नहीं दिया, रेसिपी बताई या नहीं बताई। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वीडियो में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और कौन कौन लोग ने मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो देखी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब तो आप लोग को बिलीव हो गया होगा कि 32 बार से ही मैंने अपना वज़न कम किया है, और जल्द ही मैं अपने चैनल पे भी वो वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगी, 10-15 दिन के बाद ही करूँगी। सो बहुत अच्छा लगा अपना इंटरव्यू देकर, क्योंकि सच में मैंने 32 बार से ही अपना वज़न कम किया है। तो बहुत सारे लोगों ने तो मुझे कमेंट्स भी कर दिया कि हाँ मैंने आपकी वीडियो देख ली, जो लोग नहीं देखे हो देख लेना, नहीं तो फिर मेरे चैनल पे तो वो वीडियो आएगी उस पे देख लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि देखो ये भी वीडियो फिर लंबी हो जाती है और बातें करनी ही पड़ती है,
क्योंकि अगर बातें ही नहीं करूंगी तो फिर आपके क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। और कमेंट्स के माध्यम से जो लिखते हैं हम, एक लाइन दो लाइन, उससे आप क्लियर नहीं हो पाते हो, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई मैं वीडियो के थ्रू कर दूँ, ताकि आप भी क्लियर हो जाओ और मुझे समझाने में भी आसानी हो, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स देखो, ब्रेकफास्ट में लिया मैंने वो पोहा, डिनर में लिया मैंने बीट रूट वाली रोटी, और मैंने आपको अच्छे से बताया कि जो एबीसी जूस बनाते हैं उसकी जो वो खाने वाली होती है ना, जो बचे हुए वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फेंकना नहीं है, आप उनको फ्रीज में रख दो, 2 दिन वो आराम से चलते हैं, और आप उनको एक वेट लॉस रोटी की तरह उपयोग करो, किसी चीज़ों को फेंकना नहीं है। तो बस देखा आपने कि मैंने बीटरूट की रोटी बनाई, पनीर, ये रहा मेरा लंच, और फिर ले रही हूँ मैं ग्रीन टी। शाम में अगर मुझे कुछ भूख लगती है तो मैं विदाउट शुगर टी ले लूँगी या थोड़ा सा मखाना खा लूँगी, और वही मेरा रात का डिनर 7:30 बजे तक तो एकदम कम्प्लीट हो जाना है। तो रात के डिनर में मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिक्विड ही लेती हूँ, वैसे तो मेरा फिक्स है दूध लेना, अगर मुझे ज़्यादा भूख लगती है तो फिर मैं दलिया की खिचड़ी या फिर ओट्स बना लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं रात का कोई प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं रात में मतलब रखती ही नहीं हूँ, कि रात का तो टेंशन ही नहीं रहता है कि क्या खाना है, बस कुछ भी हल्का फुल्का ले लेती हूँ या तो फिर दूध में ओट्स डाल के ले लेती हूँ लिक्विड फॉर्म में, बस। तो रात का मेरा डिनर बस यही रहता है। तो देखो अभी 7 मिनट की वीडियो चली है और 7 मिनट में मैंने क्या क्या बातें करी है, अगर आप इसको नहीं सुनोगे तो फिर आप कंफ्यूज रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने रात में क्या ही लिया, क्या बता रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको फुल डिटेल मिल पाएगी, आप समझ पाओगे कि वीडियो में एक्चुअली है क्या, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी, कल मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, और आज के लिए बस इतना ही, चलिए करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।